गणित एक ऐसा विषय है जिसने कि अच्छे अच्छों का हालत खराब कर दिया है। कई लोगों को तो इसके डरावने सपने भी आते होंगे, लेकिन आज हम गणित के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स को जानेंगे जो गणित विषय में आपका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। नंबर वन, ये जो ट्रिक है वो बेहद ही खास है, जो आप छोटे बच्चों को दिखाकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये है कि आपको 259 मल्टीप्लाइड बाई 39 इंटू आपकी जितनी भी उम्र है इन सब का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जो जादू होगा वो बस कमाल का ही होगा। आइए करके देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि मेरी एज 13 साल है, तो 259 मल्टीप्लाइड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई 13 और कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 13 13 13, यानी आपकी उम्र 3 बार दिखाई देगी। आप इसे अलग अलग एजेज के अनुसार ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रिक सभी एज पर काम करती है, जिसमें आपको आपकी उम्र 3 बार दिखाई देगी। नंबर 2, यदि आपके पास जेड रेडियस यानी जेड त्रिज्या का और ए मोटाई यानी ए हाइट का पिज्जा हो, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आयतन होगा पाई जेड जेड ए, जिसे मिलाकर पढ़े तो होगा पिज्जा। नंबर 3, क्या आपको पता है कि 2520 सबसे छोटा एक ऐसा अंक है जिसको 1 से लेकर 10 तक के किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि साल 1900 में गणित विषय की सारी जानकारियां मात्र बस 80 किताबों में लिखी जा सकती थी, परंतु आज के समय में हम पूरे गणित को लिखने बैठे हैं तो करीब 1,00,000 से भी ज्यादा किताबें लगेंगी। नंबर 5, क्या आपको पता है कि न्यूटन के एक सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पर मजेदार बात यह है कि इस मिस्टेक को पिछले 300 सालों तक किसी ने भी नहीं देखा। नंबर 6, टाई बांधने की प्रक्रिया को तो हम सब जानते ही होंगे। दुनिया में टाई बांधने के कुछ ही तरीके हैं, परंतु अगर गणित के सिद्धांत से देखें तो हम ये पाएंगे कि असल में टाई बांधने के करीब 177,147 तरीके हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि पुराने समय में बेबीलोनियन के लोग गणित में 10 के बजाय 60 को आधार मानते थे, और यही एक रीजन है कि एक सर्कल में 360 अंश होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन पॉल इडस महज 4 साल की उम्र में इतना तेज कैलकुलेशन करते थे कि वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति की उम्र जानकर ये बता देते थे कि वो इंसान कितना सेकंड तक जीवित रहा है। नंबर 10, 555 अंक हमारे लिए तो बस 555 है, लेकिन थाईलैंड में यही अंक एक अलग पहचान बनाए हुए है। दरअसल थाईलैंड में 5 का मतलब होता है हा, यानी हंसने का इमोशन, तो 555 का मतलब होगा हा हा हा। अमेजिंग फैक्ट है ये, है ना। तो ये थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स और ट्रिक। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट वाली वीडियो हम लाते रहते हैं। मैं हूँगा किसी और फैक्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।